अजमेर जंक्शन पे वंदे भारत ट्रेन का इंतजार करते हुए। ये देखिए वंदे भारत ट्रेन आई है, अब को लेके चलते हैं वंदे भारत ट्रेन के अंदर। ये देखिए इसके अंदर का इंटीरियर है, ये देखिए कितना ही खूबसूरत इंटीरियर है यहाँ पे। ये देखिए बाथरूम इसका देखें कैसा है, फुल फिनिशिंग के साथ है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कैसा लग रहा हूँ मैं गाइस, बताइए कैसा लग रहा हूँ आपको। गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखूँ वाओ वाओ वाओ, इसमें इंडियन भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। आप आइए चलिए यहाँ पे, ये देखिए सारे मील के लिए यहाँ पे सामान मौजूद है। ये देखिए ऑटोमेटिक ओपनिंग है डोर की, ये देखिए कितना बेहतरीन है ये। हाँ तो क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में। ये देखिए हमारा गमछा भी सूख रहा है, फुल बिहारी और झारखंडी स्वैग। बोलिए आपको कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का। एसी में भी इतनी मतलब भागा दौड़ी करके आए हैं हम लोग अभी, कि एसी भी काम नहीं कर रहा हमारे शरीर के ऊपर, क्योंकि हमने चाय भी तो पिया है। हॉट बॉय हाँ तुम ना, बहुत ज़्यादा हॉट बॉय हो, और सच बात है। ये देखिए हमारा लगेज बहुत ही ज़्यादा है भाई, और ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है ट्रे, आराम से आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, लैपटॉप यूज़ कर। देख रहा भाई लोग, पानी भी मिला हुआ है वंदे भारत में पूरा, और एकदम नाश्ता देख रहा पूरा हार्ड हार्ड है, तो गरम गरम पानी दिया है कॉफी बनाने के लिए यार, चाय होगा यार क्या है इसका, चाय होगा, मसाला चाय है, ये मसाला चाय मिला है अभी, गरम पानी में डाल के बनाइए चाय, बनाइए और बिस्कुट खाइए है ना, और डंटी से हिलाइए। और आ जाता हूँ, बताओ क्या क्या व्यवस्था है। अच्छा व्यवस्था है यहाँ, हमें आधी नींद से जगा के इन लोगों ने नाश्ता दिया कराया। नाश्ते में दो रोटियां थी, दही था, आलू मटर की सब्जी थी, केक था वनीला केक था, बस बहुत अच्छा, मतलब इनका बहुत बढ़िया था, जो हुस्न सलूक है बहुत अच्छा था। आए दे के गए, खुद लेके गए, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब शादी तो मेरी नहीं हुई है, लेकिन मुझे पता है कि ससुराल वाला फीलिंग पूरा दिया है इन्होंने, समझ रहे ना। अब ये लड़का जो देख रहे हैं तो मैंने चंडाल मूवी देख रहा है, चंडाल देख रहा है, मिथुन का तगड़ा फैन है, वाह तक लिया।